अबू आजमी ने वंदे मातरम को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत गर्म हो गई है। अबू आजमी ने कहा, मैं वंदे मातरम का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुक नहीं सकते। अबू आजमी ने ये महाराष्ट्र विधानसभा में कहा। उन्होंने कहा, हम वो है जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान दी, हम वो है जिन्होंने पाकिस्तान को नहीं भारत को अपना मुल्क माना। हमें इस्लाम ये सिखाता है कि सर उसी के आगे झुकाओ जिसने ये सारा जहान बनाया। मेरे मजहब के मुताबिक अगर मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता हूँ तो इससे मेरे दिल में मेरे मुल्क के लिए इज्जत और मेरी वतन परस्ती में कोई कमी नहीं होती। महाराष्ट्र विधानसभा में इस बयान के बाद काफी हंगामा शुरू हो गया है जब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया। सुनिए अबू आजमी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि हमें सब इंक्वायरी मालूम है, इसमें पुलिस कोई गलती नहीं। अरे आप कहते हैं इंक्वायरी करेंगे, हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आप वीडियो देखने तैयार नहीं है। आपका ये समझ, ये सरासर पुलिस की ज्यादती है। जिस पुलिस वाले ने FIR किया उसने गलत FIR किया, झूठ बोला उसके अंदर, लाइट नहीं, आपने मोनिटर को पहचान लिया और उसको कंपनसेशन देने को तैयार नहीं, ये इशू था। लेकिन इस इशू को डाइवर्ट करके वंदे मातरम लाया जा रहा है। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मुंबई में भारी बारिश के कारण कल्याण का सारा ट्रेन सेवा बंद कर दी गई और कल्याण कर्जत ट्रेन सेवा भी पिछले 4.5 घंटे से बंद है। मुंबई में भारी बारिश के कारण मुंबई के असर पड़ा है, मुंबई की लोकल सेवा बाधित हो गई है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। कल्याण का सारा रेलवे सेवा बंद है और कल्याण कर्जत रेल सेवा भी करीब 4.5 घंटे तक बंद रही और इसका नतीजा यात्रियों को परेशानी हो रही। लगातार दूसरे दिन राज्य समेत मुंबई में बारिश की मौजूदगी देखी जा रही है और आज भारी बारिश के कारण स्थानीय सेवाएं प्रभावित हुई है। तकनीकी खराबी से सेंट्रल रेलवे पर भी इसका असर देखा गया और इसी बीच ये बताया जा रहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण यातायात बहाल करने में बाधाएं आ रही। कल्याण डोंबिवली इलाके में पिछले 3 घंटे से भारी बारिश हो रही और पिछले 3 घंटों में विठलवाड़ी इलाके में 57 मिलीमीटर बारिश हो रही है और ठाणे जिले में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बदलापुर में भारी बारिश से मध्य रेलवे प्रभावित हुआ और सूचना मिलने के बाद सभी यात्रियों को वापस लौटना पड़ा कि बदलापुर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर कोई ट्रेन नहीं जाएगी। और आपको बताया कि CSMT से डोंबिवली इस रूट पर यातायात फिर से शुरू हो गई है। हालांकि इस रूट पर ट्रेन देरी से चल रहे हैं, लेकिन इसके चलते रेलवे कल्याण डोंबिवली और ठाणे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ी है। मुंबई की तीनों रेलवे लाइनों पर यातायात बाधित हो गया और अभी ट्रेनें देरी से चल रही हैं और अमरनाथ से बदलापुर तक ट्रेन सेवा भी बंद है। भारी बारिश के चलते मुंबई के रेलवे ट्रैक्स पर पूरी तरह से पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते मुंबई की सड़कें तो जलमग्न थी, मुंबई की सड़कें तो नदियां बन ही गई है, साथ ही अब ऐसा ही कुछ नजारा मुंबई के रेलवे ट्रैक्स से भी नजर सामने आ रहा है, जहां मुंबई लोकल जो कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, मुंबई की लाइफलाइन ही आज ठप पड़ गई है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के चलते अंबरनाथ, ठाणे, डोंबिवली तमाम जगहों के रेलवे सुविधा, लोकल सुविधा जो है वो बंद पड़ गई है। भारी बारिश के कारण मुंबई के रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। बारिश के चलते ट्रैक पर पानी भरने से यातायात प्रभावित है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना खतरनाक है तस्वीरें, और साथ ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। पनवेल, बेलापुर और बदलापुर अंबरनाथ रेलवे सेवाएं ठप है। अंबरनाथ से बदलापुर के बीच पानी भरा हुआ है, देखिए तस्वीरें।
बरसात के बाद चौपाटी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, समुद्र किनारे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि समुद्र की लहरें उफान पर है, समुद्र की लहरें डरा रही है। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, दादर चौपाटी, जू चौपाटी, बैंड स्टैंड पर पुलिस की तैनाती है। वहां पर जो पर्यटक आ रहे हैं बारिश एंजॉय करने, उन्हें पुलिस वहां से हटा रही है, क्योंकि समुद्र किनारे रहना इस वक्त अपने जान को हथेली पर रखने जैसा है। समुद्र में हाई टाइड के चलते पुलिस बंदोबस्त टाइट कर दी गई है, मौके पर लाइफ गार्ड मौजूद है। घूमने आए शिवाजी पार्क चौपाटी पर भी पुलिस द्वारा लोगों को हटाया गया है। मुंबई में भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल देखिए आप ये तस्वीरें। बड़ी खबर सामने आ रही है, भारी बारिश के चलते लोग काफी ज्यादा मुंबई में परेशान हैं। मुंबई सटे पालघर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नायगांव, नाला सुपारा और वसई में रिक्शा पूरी तरह से बंद है, मात्र एक आध रिक्शा चल रही है। ऐसे में लोग घर से स्टेशन पैदल जाने पर मजबूर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाला सुपारा रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और ऐसे में रिक्शा चल नहीं रही है। आपको बता दें कि नाला पालघर से कई लोग मुंबई आते हैं काम करने के लिए, और ऐसे में जो लोग अब जॉब से अपने घर जा रहे हैं उनके लिए काफी अहम खबर, बस ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए वहां के लोग पहुंचते हैं, माफ कीजिएगा, रिक्शा स्टेशन से घर तक जाने के लिए। लेकिन स्टेशन से घर अब लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर, पालघर साइड सड़कों पर पानी भरा होने के चलते नायगांव नाला सुपारा विरार में रिक्शा बंद है। भारी बारिश के कारण मुंबई लोकल ठप, थाने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, थाने दादर सीएसटी तमाम स्टेशन्स पर इस वक्त यही नजारा देखने को मिल रहा है। ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों की भीड़ है। मुंबई में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात है, भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक्स पर पानी भरा हुआ है, रेलवे लोकल ट्रेन में तकनीकी खराबी हुई है और मौसम के कारण रेलवे लोकल्स जो है वो जगह जगह रुके हुए हैं। इसके कारण मुंबई लोकल फिलहाल देरी से चल रही है और लोकल समय से ना आने से इस वक्त लोग जो है स्टेशन पर जमा हो गए हैं। रेलवे लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जान हथेली पर रख कर तस्वीरें भारी भीड़ की। वसई विरार में भारी बारिश के चलते सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम वसई विरार में दाखिल हो चुकी है। साथ ही ये तस्वीर, राजवाली परिसर में नाव चल रही है, 23 लोगों को बचाया गया है, 23 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई नदी ऐसे हैं जो अपने खतरे के निशान को पार कर गए हैं और ऐसे में शहर में बाढ़ आ सकती है। लोगों की जान को खतरा देखते हुए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। 23 लोगों को मौके से रेस्क्यू किया गया है। वसई विरार
में फिलहाल बारिश से हाल बेहाल है। लोगों के घरों में पानी घुसा है, दुकानों में पानी घुसा है और लोग पूरी तरह से परेशान है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। कल स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में वसई विरार के सड़कों पर नाव चलता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों को सतर्क किया है। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। मुंबई में बाढ़ जैसे हालात है, मुख्यमंत्री शिंदे ने जायजा लिया है, सुनिए। पर्यटनाला कोणी बाहेर जाऊ नये। आणि चंद्रपूर, गडचिरोली इकडचे सगळे अगदी त्या भागात देखील जी परिस्थिती आहे ती देखील मी स्वतः माहिती घेतली आहे। आणि आता मंत्रालयातलं जे आपलं कंट्रोल रूम आहे स्टेट डिझास्टर, तिथे पण आम्ही जातो आहे। लोकांना देखील विनंती आवाहन आहे की आता समुद्रावर आता खूप उधाण आहे, हवा आहे, आणि त्यामुळे तिकडे देखील पर्यटकांनी गरज नसताना आणि इतर देखील जी पर्यटन स्थळं आहेत तिथे देखील लोकांनी अगदी जाणं टाळावं आणि काम नसेल तर नक्कीच अशा पावसामध्ये बाहेर सहसा पडू नये, जेणेकरून आपल्याला कुठल्याही दुर्घटना टाळता येईल आणि त्यांचं सहकार्य अपेक्षित आहे नागरिकांच्या शेवटी। सगळ्यात आपल्याला नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा आहे आणि त्यामुळे शासनाच्या प्रशासनाच्या माध्यमातून जी जी काही यंत्रणा जी आहे ही पूर्ण यंत्रणा एकदम अलर्ट मोडवर आहे। ती खूप दुर्घटना अतिशय दुःखद घटना आहे, मनाला वेदना देणारी आहे, दुर्दैवी आहे आणि अशा घटना टाळण्यासाठी आपण काळजी घेतली पाहिजे नक्की आणि घडू नये म्हणून आपण माझं पालकांना देखील आवाहन विनंती आहे की आपण सगळ्यांनीच काळजी घेतली तर अशा प्रकारच्या घटना आपल्याला टाळता येतील। सगळी यंत्रणा तिकडे आहे, ज्या आवश्यक बाबी आहेत तिकडे NDRF SDRF तिथली स्थानिक यंत्रणा तिथे कार्यान्वित आहे, ऑन द स्पॉट आहे। सरकार प्रशासन कितनी अलर्ट है, क्या क्या उपाय आप लोग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, यंत्रणा तो बताया ना कि मैंने अभी ये मुंबई में कि 110 स्पॉट जो फ्लड आईडी स्पॉट है वो यहाँ पर पूरा कंट्रोल रूम में दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर कोई भी स्पॉट पे अभी वाटर लॉगिंग नहीं है, सब ट्रैफिक स्मूथ से चल रही है और बाकी जगह पर लोग हमारे सब मुंबई के कॉरपोरेशन के इवन कमिश्नर भी खुद साइड पे हैं, जो जो जिनकी जिनकी जिम्मेदारी है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए मुंबई में पूरी तरह यातायात पूरी तरह स्मूथ है, चल रही है बराबर। और बाकी जगह जो है थाने पालघर वसई विरार घर में सुरक्षित जाए इसकी व्यवस्था प्रशासन ने करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है। अनुरोध किया है कि बारिश में समुद्र किनारे या फिर टूरिस्ट स्पॉट पर, हाँ अभी जो अभी जैसे समुद्र किनारे है उसमें भी कई लोग जाते हैं जो पर्यटक, उन्होंने थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होता है, डूबने की जो दुर्घटना होती है वो हम टाल सकते हैं, इसलिए जो टूरिस्ट है उन्होंने भी ऐसे स्पॉट पर न जाए तो बेहतर होगा, जैसे समुद्र किनारा भी है और बाकी टूरिस्ट स्पॉट जो है, और जब काम नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले तो भी थोड़ा हम एक दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता, आखिर लोगों की जान हमारे सरकार के लिए बहुत ही कीमती है और इसलिए सभी इंतजाम जो है सरकार ने किए हुए हैं। स्कूल को भी कई जगह आवश्यकता के अनुसार छुट्टियाँ भी दे दिए तो घेतलेला आहे।